उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करने की जिद का मां की अकाल मौत का कारण बन गया। हैवान पति ने अपने ही पत्नी को कहा सुनी के बाद जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मंजनपुर कोतवाली के चक सहनपुर गांव की है। मृतक महिला का बेटा अंश के मुताबिक उसकी मां उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पति जय नारायण ने अपने पत्नी मंजू देवी को जमीन पर पटक कर लात घूसों से पिटाई करना शुरू कर दिया। जब बीच बचाव में उसका मासूम बेटा आगे आया तो उस पर भी जानलेवा हमला करने की नीयत से आगे दौड़ा। वहीं बेटा अंश तो अपने हवान बाप के चंगुल में नहीं आया, लेकिन उसके मां के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। वहीं महिला के मौत के बाद आरोपी पति परिवार सहित फरार हो गया है। सर्किल ऑफिसर मोइन अहमद के मुताबिक घटना के बाबत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। हमारी मम्मी कही है, पापा कहे हैं कि अपने से अपने मनमर्जी से स्कूल में लिखा लेते हैं, उसमें पढ़ते तो क्या हो जाता। फिर मम्मी कही दिमाग ही नहीं, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं था, नहीं रिजविन दिखा देते तो क्या होता। मम्मी कही हैं किसके पढ़ाई के लिए हमारे, फिर क्या हुआ। फिर मम्मी कही हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, उसमें लिखा देते। फिर पापा कहे तुम्हारे पास कितना दिमाग है, फिर मारने लगे। फिर हम छुपाने गए तो हमें मारे, हम भाग गए, ऊपर चले गए, फिर सो गए। आज क्या हुआ, जब आज हम स्कूल गए थे तो पता चला है कि हाँ मम्मी जलाया। किसने जलाया?